फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल द सिबलिंग बाइट। आज हम बनाएंगे मलाई ब्रेड, जिसको खाने के बाद मज़ा आ जाएगा। ये मलाई ब्रेड बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, तो इंतज़ार क्यों, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ एक पतीला लेंगे और उसमें दो फाइन चॉप्ड गाजर, दो से तीन फाइनली चॉप्ड प्याज जो कि मीडियम साइज़ की है, एक से दो हरी मिर्च और स्वाद अनुसार, और चॉप्ड हरा धनिया लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, एक टेबलस्पून लाल मिर्च, और लाल मिर्च आप कम भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी सीजनिंग जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है घर के दूध से निकाली हुई मलाई, एक से डेढ़ कप। ये जो मलाई है ब्रेड को सॉफ्टनेस देगी, जिससे ब्रेड खाने का मज़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अब चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे सा पेस्ट बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का पेस्ट हमें बनाना है, कलरफुल सा। चलिए अब ब्रेड तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ रेगुलर साइज़ की ब्रेड ली है और एक स्पून की मदद से सारी ब्रेड पे पेस्ट को अप्लाई कर देंगे, पूरी ब्रेड पे फैला लेंगे अच्छे से। हमें ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाना है, वरना ब्रेड जो है सॉगी हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए, हमारी एक ब्रेड रेडी हो गई है, चलिए बाकी की भी तैयार कर लेते हैं। सारी ब्रेड रेडी है, अब इनको एक एक करके सेक लेते हैं। दोस्तों हमने प्री हीटेड तवा लिया है और इसमें थोड़ा सा बटर डालकर फैला लेंगे। बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें अपनी ब्रेड को डाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस साइड पे आपने पेस्ट अप्लाई किया था वो साइड तवे पे डालनी है और एक से दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब हम इसे पलट लेंगे और बैक साइड से दो मिनट के लिए सेक लेंगे। दो मिनट के बाद इसको पलट लेते हैं और अब आप देखिए क्या मस्त कलर आया है दोस्तों। इसको दो मिनट और सेकेंगे और हमारी मलाई ब्रेड रेडी हो जाएगी। हमारी ब्रेड अच्छे से सिक चुकी है, चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी को भी ऐसे ही सेक लेते हैं। वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं दोस्तों आपको। अब हम अपनी ब्रेड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और सर्व करेंगे। आप इसको सॉस के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं, बट मुझे पर्सनली बिना किसी चटनी के या सॉस के खाना पसंद है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।